ओम शांति। बीके सपना के किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन भेज करी। इसके लिए हम लोग को आधा के जी चाहिए आपका कटहल। इसको हमने कुकर में एक सीटी दे के निकाल लिया है। 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू को देखिए हम लोग ऐसे काट के रखे हैं। 2 बड़े टमाटो का पेस्ट, 2 इंच अदरक, 1 टीस्पून गोटा जीरा, 2 टीस्पून गोटा धनिया का पेस्ट, उसके बाद 2 टेबलस्पून फ्रेश दही, गोटा जीरा, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता, गरम मसाला 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर दोनों मिला के है, ये रुचि मसाला 1 टीस्पून, ये विदाउट ओनियन गार्लिक का होता है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हींग 1/4 टीस्पून, नमक स्वाद के अनुसार। अब चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल 2 से 3 टेबलस्पून देके उसमें हम लोग आलू को डाल देंगे फ्राई करने के लिए। आलू में हम लोग थोड़ा सा नमक और हल्दी दे के इसको फ्राई करना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है तब तक इसको हम लोग को फ्राई करना है। हम लोगों ने नमक और हल्दी डाल दिया इसमें। अभी इसको अच्छे से तल लेंगे। देखिए कैसे कर रहे हैं, आलू का एक साइड हो गया है, अभी उसको पलट देंगे। देखिए आलू पूरी तरह से हो गया है गोल्डन ब्राउन। अभी इसको निकाल देंगे और उसी पैन में अभी हम लोगों को 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल और डालना है। डाल के उसमें हम लोगों ने जो कटहल को एक सीटी मार के कुकर में रखे थे, कटहल में हम लोग का नमक और हल्दी डाल के हम लोग उसको एक सीटी दिया था, तो उसको हम लोग अभी फ्राई कर लेंगे। जब इस कटहल को हम लोग फ्राई करेंगे तब याद रखिएगा गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। इसको 5 से 7 मिनट तक हम लोग तेज आंच पे फ्राई करेंगे। इसको भी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब तक करके उसको भी निकाल देंगे। देखिए कटहल हम लोग का हो गया है, अभी हम लोग इसको निकाल देंगे और थोड़ा सा कटहल बचा है जो उसको भी हम लोग डाल लेंगे। हम लोग को ये कटहल का सब्जी जो है कुकर में बनाना है, तो इसलिए हम लोग दूसरे साइड पे कुकर बिठाएंगे। कुकर में हम लोगों ने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल लिया, इसको थोड़ा सा गर्म होने के लिए छोड़ दिया। ये जब गर्म हो जाएगा उसमें हम लोग सारे खड़े मसाला जो डाले थे उसको डालेंगे। और देखिए हम लोग का कटहल जो बचा था बाकी उसको भी हम लोग फ्राई करने के लिए रख दिया है, उसको भी हम लोग 5-7 मिनट में निकाल लेंगे। अभी इसमें तेज पत्ता, जीरा, छोटी इलायची और दालचीनी डाल के इसको हम लोग को क्रैकल करना है। जब जीरा अच्छे से क्रैकल हो जाएगा तब हम लोग इसमें 2 टमाटो का जो पेस्ट मैं बना के रखी थी उसको डालूंगी। देखिए क्रैकल अच्छे से हो गया है। अभी हम लोग इसमें 2 टमाटो का प्यूरे जो मैं बना के रखी थी पेस्ट उसको अभी उसको डाल के उसको अच्छे से भूनना है। फिर उसमें हल्दी, कश्मीरी मिर्च, लाल मिर्च आपके स्वाद के हिसाब से डाल के उसको फ्राई करना है। जब तक कि मसाले में से तेल ऊपर ना आ जाए, बाकी जो हम लोग का पेस्ट मसाला पेस्ट हम लोग बना के रखा था उसको भी इसको इसमें डाल के अच्छे से भूनना है जब तक सारा तेल निकल के ऊपर ना आ जाए। अभी इसमें हम लोग हींग डालेंगे 1/4 टीस्पून डाल के इसको अच्छे से भूनेंगे। ये जो करी है ये पूरा मटन का फ्लेवर देता है। इसमें आप लोग इसको घर में ट्राई करिएगा, चावल के साथ खाइएगा, ये बहुत टेस्टी होता है। रोटी के साथ किसी के भी साथ खा सकते हो। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरा खाना बनाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मुझे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अभी इसमें हम लोग दही डालेंगे। दही हमेशा फ्रेश लीजिएगा, नहीं तो खट्टा लगता है सब्जी। देखिए दही डालने से इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, उभर के आता है।
दही डाल के हम लोगों ने मसाले को भून लिया। देखिए तेल भी छूट के ऊपर आ गया। अभी हम लोग स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, क्योंकि पहले से कटहल और आलू में नमक डाला हुआ है तो हम थोड़ा सा कम नमक डालेंगे। उसके बाद रुचि मसाला 1 टीस्पून इसमें डाल के इसको भून लेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग आलू और कटहल दोनों को डाल के थोड़ा सा पानी देंगे। पानी देके उसको कुकर में, आप लोग को जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी देके उसको कुकर में 1 सीटी मारना है। मारने के बाद देखिए हम लोग उसको निकाल के प्लेटिंग भी कर लिए हैं। कटहल का सब्जी या भेज मटन करी, कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है आप खुद ही देख सकते हो। घर में बना के खाइए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओम शांति। थैंक यू।